हमें इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे यहाँ पे हम tan इनवर्स cos इनवर्स और sin इनवर्स की वैल्यू अलग अलग निकालते हैं पहले हम यहाँ पे इस tan इनवर्स वन की वैल्यू निकालते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ y के इक्वल tan इनवर्स को लेफ्ट साइड ले जाऊँ तो ये आ जाएगा tan y इक्वल टू वन अब यहाँ पे हमें पता है tan 45 होता है वन तो मेरे थीटा की वैल्यू आ गई फोर्टी फाइव डिग्री इस डिग्री को मैं कन्वर्ट करता हूँ पाई में पाए में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे पाई बाय वन एट्टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है पाए बाय फोर यानी थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय फोर अब अगर मैं इस टेबल में देखूँ टेन इनवर्स के केस में मेरा यहाँ वन पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर्स के लिए मेरा यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू होती है थीटा क्योंकि वन पॉज़िटिव है तो प्रिंसिपल वैल्यू है थीटा यानी पाई बाय फोर तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू है मेरी पाई बाय फोर ये दिखाने के लिए मैं इस वन को लिखता हूँ यहाँ पे टेन ऑफ पाई बाई फोर हम एक लाइन लिखते हैं यहाँ पे कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स होती है ये तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई टेन इनवर्स की फाइव बाई फोर ऐसे ही हम निकालते हैं इनवर्स इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको अज्यूम कर लेते हैं वाई के इक्वल कॉस इनवर्स को लेफ्ट साइड ले जाऊं तो ये आ जाएगा कॉस वाईक्वल टू माइनस ऑफ ऑफ हमें पता है कि कॉस 60 डिग्री होता है 1 बाई टू तो यानी थीटा की वैल्यू आ गई मेरी 60 डिग्री इस डिग्री को मैं कन्वर्ट करता हूँ पाए में पाए में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे पाए बाय वन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा पाए बाय थ्री यानी थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय थ्री अब इस टेबल में मेरी कॉस इनवर्स की वैल्यू निकालनी है हमें मेरी जो वैल्यू है यहाँ पे वो माइनस हाफ है यानी नेगेटिव वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू के लिए मेरी प्रिंसिपल वैल्यू होती है पाए माइनस थीटा तो यहाँ पे माइनस वन बाई टू नेगेटिव है इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू है पाए माइनस थीटा थीटा है पाए बाय थ्री यानी पाए माइनस पाए बाय थ्री टू पाए बाय थ्री तो मेरी यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू आ गई टू पाए बाय थ्री इसे लिखते हैं हम यहाँ पे माइनस हाफ़ की जगह लिखता हूँ मैं कॉस ऑफ टू पाए बाय थ्री अब यहाँ पे हम ये लाइन ऐड कर देते हैं कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स होती है जीरो से लेके पाए के बीच में तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू होगी कॉस इनवर्स माइनस हाफ की टू पाए बाय थ्री ऐसे ही हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं साइन इनवर्स माइनस हाफ की इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ y के इक्वल साइन इन को लेफ्ट साइड ले जाऊँ तो ये आ जाएगा साइन वाई इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ़ हमें पता है कि साइन 30 डिग्री होता है हाफ यानी थीटा की वैल्यू होगी मेरी 30 डिग्री इस डिग्री को मैं कन्वर्ट करता हूँ पाए में तो मैं पाई बाय वन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये वैल्यू आएगी मेरी पाई बाय सिक्स यानी थीटा की वैल्यू है पाई बाय सिक्स अब यहाँ पर अगर हम इस टेबल की बात करें तो साइन इनवर्स के केस में मेरी यहाँ पे माइनस हाफ़ जो है वो नेगेटिव वैल्यू है तो मेरा यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू आएगी माइनस थीटा क्योंकि माइनस हाफ़ नेगेटिव है तो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी माइनस थीटा थीटा हमारा पाई बाय सिक्स है तो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी माइनस ऑफ पाई बाय सिक्स अब इसको यहाँ पे शो करने के लिए मैं माइनस हाफ़ की जगह लिखता हूँ साइन ऑफ माइनस फाइव बाय सिक्स हम यहाँ पे लाइन ऐड कर देते हैं कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स है माइनस फाइव बाई टू से लेके पाई बाई टू के बीच में तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू आ गई मेरी माइनस और फाइव बाई सिक्स यानी यहाँ पे हमारा टेन इनवर्स वन की वैल्यू आई थी ये कॉस इनवर्स की ये और साइन इनवर्स की ये आई थी हमें यहाँ पे ये निकालना है यानी इन तीनों का सम निकालना है यही निकालते हैं हम मैं यहाँ पे एल सी एम लेता हूँ फोर थ्री और सिक्स का एल सी एम होगा मेरा ट्वेल्व तो ट्वेल्व के लिए मैं यहाँ पाए को मल्टीप्लाई करता हूँ थ्री से यहाँ पे टू पाए को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं फोर से और पाए को मल्टीप्लाई करता हूँ टू से तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा थ्री पाए और यहाँ हो जाएगा एट पाए माइनस ऑफ टू पाए डिवाइड बाई ट्वेल्व अब ये आ जाएगा मेरा नाइन पाए बाय ट्वेल्व यानी इसकी वैल्यू आ गई नाइन पाई बाय ट्वेल्व